देखिए, जो कुछ भी हुआ है हाथरस में उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। ये समय है पीड़ितों के साथ उनके आंसू पूछने का, उनसे सीधे जानने का कि क्या हुआ, कैसे हुआ। राहुल गांधी हमारे नेता इन सारे मामलों में सबसे पहले जहां आंसू होता है उसे पूछने पहुंचते हैं, और आज भी उन्होंने अलीगढ़ पहले पहुंच के फिर हाथरस पहुंच के पीड़ितों से उनका दुख दर्द साझा किया। उसके बाद एक अलग भी बात की, कुछ लोगों से, परिवारजनों से भी बात की, उनसे हालात जाना, उनसे पूछा मैं क्या मदद कर सकता हूं, हमारी पार्टी क्या कर सकती है। निर्देश दिए उन्होंने वहां कार्यकर्ताओं को कि जितनी क्षमता है पीड़ितों के आंसू पूछने में लगाएं। राहुल जी के दौरे का यही मतलब था, वो अपनी जगह है, लेकिन ये तो बिल्कुल आईने की तरह साफ है कि इसके लिए प्रशासन और आयोजनकर्ता दोनों जिम्मेदार हैं। दोनों की लापरवाही से ये घटना हुई। 80,000 लोग बुलाए, परमिशन हो, 2.5 लाख पहुंच जाएं, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं, उपचार के साधन नहीं, पर्याप्त पुलिस व्यवस्था नहीं, तो प्रथम दृष्टया तो ही लगता है, लेकिन ये समय है लोगों के आंसू पूछने का, और कांग्रेस पार्टी ने पहल की।